माशाल्लाह बैठ गई है भाई, माशाल्लाह। बस अब दुआ ये है कि बच्चे जो है ना इसके निकल जाए फटाफट। आज जो है ना मौसम ऐसी धूप निकली नहीं है और हल्की फुल्की जो है ना फुहार जो है ना स्टार्ट हो गई है। हवा के साथ साथ जो है ना फुहार आ रही है, शायद आपको मेरे हाथ पे बूंदे आते हुए नजर आए। मौसम अच्छा हो गया, बारिश शुरू हो गई है। कैसे व्यूअर्स आप लोग, हमारा शेड जो है कम्प्लीट हो गया माशाल्लाह। अभी नीचे का काम रह गया कुछ, अब वो शुरू करेंगे। अब हमारा फाउंटेन बनेगा, पहले फाउंटेन लगाओ, फाउंटेन को ओके करना है, मछलियाँ जो है अपनी वो लेके आनी है और उसके बाद फिर टर्की बर्ड का घर बनेगा। ठीक है, घर बनाना है। काम अभी भी बहुत है भाई, बहुत सारे काम रह गए। अंडा निकालना, और आज हमने ये सोचा है कि हमारे तरकी बर्ड के जो है हमारे पास अंडे हो गए हैं कितने। खुशी को छोड़ देता हूँ। हाँ, खुशी को छोड़ जाओ। तो भाई अंडे हम देखते हैं पहले कितने हो गए हमारे पास। और नहीं तो दो ही अंडे, दो अंडे ये हो गए जी, और एक अंडा जो है हमारे पास तरकी बर्ड ने दिया हुआ है, अभी फ्रेश फ्रेश अंडा है, तो वो अंडा भी निकाल लेते हैं। बाकी देखिए फुहार जो है ये नज़र आ रही होगी आपको, देखिए ढीला होना शुरू हो गया ना सारा, और हाथ से नहीं पड़ रही कोई इतनी, मतलब तेज़ नहीं हो रही है जो हाथ पे भी नज़र आए। अब हल्की फुल्की नज़र आ रही है। अभी ये करते हैं कि अंडे जो है, दो अंडे उस बॉक्स में है, मार्कर में लाया हूँ, मार्कर में लेके आया था, मैंने अंडे पे डेट लिख के जो है अंडे रखे हुए थे, और आज डेट आज 13 तारीख है, तो ये 25 दिन में निकालता है, 26-27 दिन लिख दो। तो क्या तारीख लिखोगे? तो 13 है ना आज, 13 है, 13 में 7 डाले तो 20 हो गए, 17 दिन ये हो गए, और 10 मतलब 10 तारीख तक, अगले महीने की 10 तारीख, अगस्त की 10 तारीख। तो भाई अगस्त की 10 तारीख जो है ना हम लोग अंडे पे डाल देते हैं। भाई अंडे की तो घी ठंडे हो रहे हैं, हाँ छोड़ दो। तो अगस्त की जो है 10 तारीख, इसको लिख दो आप हल्का साफ करके। वो वाला भी लिया होगा, अच्छा, वो वाला भी लिया हो, तो वो वाला अंडा भी निकाल लेते हैं। बाकी भाई इस साइड पे सिर्फ हमें आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि बारिश हो रही है, क्योंकि इधर से तो भाई हमारे शेड ने सब कवर कर दिया, इधर से हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। हाँ, तेज़ अगर बारिश हो तो शेड जो है हल्का फुल्का टपक सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब इस बारिश में सिर्फ यहीं पर पता लग रहा है, वहाँ नहीं पता लग रहा है। चलो ये तो फ़ायदा हुआ। खैर अंडा है जो है निकाल लेते हैं। ओहो, लॉक लगा हुआ नीचे। हाँ भाई माशाल्लाह से अंडा दिया हुआ है। हटो हटो हटो, एक ही है या दो है? एक ही है ना भाई? हाँ भाई एक ही, नहीं नहीं एक ही दिया हुआ है, खड्डे में और है नहीं है, खड्डे में एक ही अंडा दिया है माशाल्लाह से। हमारी तरकी की फीमेल ने माशाल्लाह, और तरकी जो है अभी फुल गुस्से में और मूड में बना हुआ है। ठीक है भाई, चलो जी आ जाओ जी। और हल्की फुल्की अब जो है ना तेज़ हो गई है, देखो फुहार जो है तेज़ होने लग गई है। खैर तेज हो, हल्की होने का भाई हमें तो अपना काम करना है, बारिश हल्की होगी तेज़ होगी। ये लीजिए भाई एक और अंडा, डेट लिख दीजिए इस पर। पहले से अंडे थोड़ा सा ड्राई कर लो अंडे को, ताकि अंडा गीला मार कर नहीं चलेगा वरना। बाकी मास्टर केज में भी आज जाना है, मास्टर केज में नहीं गए भाई, 2 दिन हो गए। तो ये देखिए भाई, ठीक है, बूंदे मोटी मोटी बूंदों में लग गई अब तो, पूरा जो है ना मतलब गीला होने लग गया है सब कुछ। खैर तेज़ मेरे को नहीं लग रहा कि तेज़ वाली बारिश होगी, बस ये ऐसी बूंदाबांदी होगी। हाँ डेट लिख दो, सूखा अंडा डेट लिख दो, 10 तारीख 8वां महीना। अच्छा चलिए मेरा वहाँ जितना भी बहुत है लिख दो, 10 तारीख। चलो खैर है, नज़र आ रही है, सही है डेट 10 तारीख 10-8। ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा वो काट रहे हो? बकरे वो बांस को फाड़ती रहा था ना। अच्छा बांस काटा था, मैंने बोला शायद बकरा वकरा काट रहे हो। सही है सही है, अगर शायद अपने मुन्नी पापड़ी का गोश्त काट रहे हो। नहीं नहीं, फिर क्या करें, नहीं चल रहा, दूसरा लाऊं? तो मार कर नहीं चल रहा है, सूख गया, ड्राई हो गया एकदम।
हाँ भाई रेम्बो, तुम बारिश में मजे कर रहे हो? तो भाई हमारा रेम्बो जो है, रेम्बो को निकालते हैं बाहर। आओ रेम्बो, हैं बारिश में मजे आ रहे हैं तुम्हारे? बारिश हो रही है, गुड्डू बच्चा है, गुड्डू बच्चा। चलो भाई गुड्डू अंदर जाओ, चलो चलो चलो, शाबाश। चलो भाई गुड्डू का दरवाजा हमने कर दिया बंद, रेम्बो चलो जी। बाकी भाई हमारा कैप्टन भी अभी जो है ना खाना मांग रहा है, देखें अभी तक चिल्लाने लग गया। जैसे ही बंदे को देखता है ना भाई, ये फौरन बोलने लग गया था खाना चाहिए। क्या हुआ भाई, नहीं हुआ? हाँ इस पर तो हो गया, इस पर तो भाई लिख दिया हमने कि 10-8 नमी आ रही है। अच्छा ये सूखा अंडा था ना? हाँ 10 आ रहा, सही है। हमने बाद में लिख देना ना, कल लिख देंगे, मुर्गी अंडा गर्म करेगी ना फिर लिख देंगे। तो भाई अभी ये करते हैं कि हम अपने मुर्गी के नीचे रखते हैं ये वाले 3 अंडे। चलो भाई ये टर्की बट के हैं। हाँ टर्की बट के अंडे हैं भाई। फिर से दोबारा से भाई वो वाला सीजन स्टार्ट होने वाला है कि हमारी टर्की बट के अपने नीचे अंडे रखेंगे, उसके बाद बच्चे निकलेंगे, और भी जब बच्चे बड़े होंगे फिर सब वैसे मतलब दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो खैर अभी अंडे रखते हैं। हाँ भाई सही है भाई, एक अंडे पे बैठी हुई है। लाइए ये आ गया जी दूसरा अंडा, ये आ गया जी तीसरा अंडा, और ये आ गया चौथा अंडा। तो भाई माशाल्लाह से उसको हमने 4 अंडों पे जो है बिठा दिया है। थोड़ी घूम के बैठो, घूम के बैठो। हाँ अब बैठो, सेट करो सेट करो सेट करो, बैठो बैठो, शाबाश। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अंडे देख रही है, बोलिए अभी इतने सारे अंडे कहाँ से होगा, अभी तो सिर्फ 2-3 ही एक ही था। चलो बैठ जाओ। तो भाई अभी थोड़ी शर्मा रही है, थोड़ी शर्माएगी, अभी नखरे दिखाएगी अंडों में बैठने में। जाहिर है कुड़क मुर्गी है भाई हमारी, थोड़े से नखरे करेगी खैर बैठ जाएगी। चलो उसको थोड़ा सा हम जो है ना बैठने का मौका देते हैं अकेले में, थोड़ा सी प्राइवेसी देते हैं भाई, ताकि ये जो है अंडों में सही से बैठ जाए। अंडों में बैठ जाती है, उसके बाद हम इसको थोड़ी देर बाद आके देखेंगे, जब तक हम इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं, मतलब थोड़ा सा ये अकेला अकेला फील करे। हाँ भाई बादशाह क्या रिपोर्ट है, क्या हो रहा है, सब सेट है, खाना पीना सब सही है घर में, और कोई टेंशन वेंशन तो नहीं हो रही है? हैं कोई टेंशन है तो बताओ। नहीं सब सेट है, ओके हो गया। मनी पापड़ी कोई टेंशन नहीं भाई, वो चिल कर रही है एकदम, उसको कोई टेंशन नहीं है, चिल लाइफ गुजार रही है अपनी। है बादशाह मेरे भाई चिल लाइफ, वो दोस्ती पक्की हुई है बादशाह की। नहीं है बादशाह बोलता है मेरे सिंह और मुंह पे हाथ नहीं लगाओ। है बादशाह बोलता है मुँह के करीब नहीं आओ मेरे। है ना बादशाह, मुँह को और ये सर के बाल है ना, कहता है इधर हाथ नहीं लगाओ, हाथ लगा दो फौरन भागेगा। चलो भाई बादशाह तुम यहाँ पे चिल करो भाई, बादशाह सलामत का भी खाना वगैरह जो है ना तैयार हो रहा है, तो बादशाह सलामत का भी खाना वाना देते हैं बादशाह। तुम जब तक तुम यहाँ पे थोड़ा चिल करो, जब सूखी घास वास खाओ। माशाल्लाह से कद इतना लंबा हो गया है कि माशाल्लाह गोट फार्म अब छोटा पड़ने लग गया, सर इनका ऊपर टकरा रहा है, वो जो है ऊपर इसलिए टकरा रहा है उसकी वजह से, इसको खानी है घास है, बदमाश को घास खानी है घास। चलो खैर हम लोग चलते हैं मास्टर केज में, मास्टर केज में जाना है हमें, काफ़ी दिन होगा देखा नहीं है। बाकी कीवी गैंग सेट है, कीवी गैंग पे एक नज़र मार लेते हैं। हाँ भाई माशाल्लाह सारे सेट हैं भाई, सारे सेट हैं। हाँ भाई सेट सेट है, और कुछ नीचे बैठा हुआ तो नहीं है? नहीं भाई नहीं बैठा हुआ, सारे सेट हैं भाई माशाल्लाह, सारे ऊपर बैठे हुए और सारे सेट हैं माशाल्लाह। चलो जी चलो जी मास्टर केज में। हाँ भाई हनी बनी सनी गुड 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 गुड। चलो भाग जाओ, चलो चलो अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। तो भाई हल्की हल्की जो है ना दोबारा मुझे लग रहा है कि धूप निकल रही है। हाँ भाई वो देखे भाई बिल्कुल मुंह पे आ गया सूरज, तो धूप निकल रही है, बारिश भी हो रही है। वाह भाई वाह, चलो जी चलो जी अंदर। और गेट पे हमारे आए हुए हैं मोर साहब, सलाम वालेकुम। सलाम सारे हमारे दोनों बाहर भाग गए छोटे, इनका पिद्दों को बाहर भागना बड़ा मुश्किल होता है, ये पकड़ में नहीं आते भाई। मेरा सुल्तान आ कैप्टन आ गया, आ जाओ कैप्टन आ जाओ। माशाल्लाह मेरा मुन्ना उड़ के आया मेरे पास है, जैसे ही मैं अंदर इंटर हुआ ये साहब उड़ के आए मेरे पास, आए नहीं आए माशाल्लाह। आपने देखा कैसे माशाल्लाह हुआ है। चलो आ जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम, मैं जब वो तुम्हें हाथ में ले रहा था तुम भाग रहे हो, चलो भाग जाओ, खुद ही आए थे बल्कि तुम्हें पकड़ के। हाँ भाई क्या रिपोर्ट है? तो भाई ये मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, अभी कोई प्लानिंग हो रही है, अंडों के अंडे नहीं दिए हैं, अंडे वंडे नहीं दिए भाई, कब देने अंडे? अभी प्लानिंग चल रही है अंडे कब देने, कौन सी लोकेशन, नई लोकेशन पर अंडे देने हैं, कहाँ देने हैं, क्योंकि लोकेशन चेंज होती रहती है, कभी ऊपर देते हैं कभी यहाँ देते हैं, तो अभी सोच रहे हैं, लो डिसाइड हो रहा है। कहाँ है भाई बच्चा, कहाँ
बच्चा फिर गया है, लगता है नीचा कर रही है, बच्चा कहीं नजर आ रहा है भाई। नहीं भाई यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है, तो कहाँ गया बच्चा भाई? यहाँ पे एक है, दूसरा भाई का है तुम्हारा नीचे बैठा हुआ। अच्छा ठीक है, इसका कार्य है सुल्तान का। सुल्तान का बच्चा नहीं आ रहा दोस्तों, कल तक तो था यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ। क्या क्या कर रहे हो तुम भाई, बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए इसलिए तुम यहाँ आ गए हो? हाँ भाई ये बड़ा हो गया, कह रहा है मैं बड़ा हो गया, मेरे को यहाँ पे आना। अच्छा कलर इसका बिल्कुल नॉर्मल कबूतर होते हैं ना जो आसमान में उड़े होते हैं जंगली टाइप के, उस तरह का कलर आया भाई, कलर मज़ेदार नहीं आया इसका, क्या वजह हुई है? चलो ये देखो कलर बिल्कुल भी मज़ेदार। अच्छा ये मार रहे हैं बदतमीज, ये तो मुर्गे मार रहे हैं इसको भाई, इसको यहीं रख देते हैं भाई बेचारे को। बड़ा देखा आपने कैसे मार रहा है, ये बदमाश कबूतरों को भी मार रहा है। ये देखो ये तो भाई बदमाश हुआ है, सारे कबूतरों को मार रहा है, इनको बाहर लेके आते हैं ना भाई। अब ये सोचा है बाबा बोलने के इनको बाहर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये हर कबूतर को मार रहे हैं भाई। चलो तुम लोग का बाहर अभी निकालते हैं, इनको बाहर जो है इनका नई सेटिंग बनाते हैं, यहाँ पे घर वर बनाते हैं और इनको जो है बाहर शिफ्ट करते हैं भाई। ये तो गलत बात है ना, बेचारे कबूतरों को क्या कसूर है, उनको मार रहा है ये मोर भी हमारे ऐसे करते हैं, ये भी उसको मारते हैं। अभी करते हैं कि इनको पकड़ते हैं भाई दोनों को, और तीसरा भी इनके घूम रहा होगा, उन तीनों को पकड़ते हैं और उसके बाद जो है इनको बाहर शिफ्ट करते हैं। पकड़ना बड़ा मुश्किल है, तो मैं पहले पाई देखें इसमें फिर इसको मारा है, ये देखो ये तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है, पकड़ते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर पकड़ ले दोनों, फिर दिखाऊंगा कि अभी इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पकड़ना देगा। चलो जी काफ़ी मेहनत के बाद तीसरा भी पकड़ में आ गया, इसने बहुत भगाया भाई, क्योंकि एक जब रह जाता है ना तो वह एक बहुत भगाता है, बहुत सताता है, बहुत तंग करता है। इसको पकड़ लिया, इसको भाई अभी छोड़ देते हैं। चलो जी अब तुम तीनों इधर रहो, ये बहुत तंग होने अंदर बदमाशियाँ निकाली, बहुत मस्तियाँ कर ली अंदर, बहुत तुमने कबूतरों को मार लिया, तुम लोग इधर रहोगे ठीक है। चलो जी हमारे भाई जैपनीज बैंटा में पता नहीं क्या नाम है इनका, ऐसी कोई नाम है, तो इनको हमने बाहर शिफ्ट कर दिया भाई। वैसे तो हमने इनका नाम रखा हुआ है जैकी गैंग, तो खैर इसको हम लॉक कर देते हैं दरवाजे को, कहीं वरना कबूतर बाहर ना आ जाए, वरना एक बार फिर पहले भी कबूतर उड़ चुका है हमारा। तो खैर अभी ये काम हम निपटाते हैं सारे, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो खैर भाई अभी जो है हमने तुर्की मुर्गी अपने खोल दिया है, और अभी हमें क्या देखना है कि हमारी मुर्गी भाई अंडों पर बिठाई है, वो बैठी है नहीं बैठी अंडों पर, खैर चढ़ के देखते हैं भाई इधर, क्योंकि भाई बैठना भी ना हो, माशाल्लाह बैठ गई है भाई, माशाल्लाह। बस अब दुआ ये है कि बच्चे जो है ना इसके निकल जाए फटाफट, मतलब कितने हमने कब तक कर रखा है, 10 अगस्त, तो बस 10 अगस्त से पहले पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे जो है ना इसके निकल जाएंगे। अभी तो 3 अंडों पर बिठाया है, लेकिन अभी मैंने सोचा कि कम से कम उसको 6 या 7 अंडों पर बिठाना है, तो रोज़ एक एक अंडा हम इसके नीचे रखते रहेंगे, और बच्चे जैसे निकलते जाएंगे फिर वही सिलसिला होगा, बच्चे निकलते जाएंगे, बच्चे अलग करते जाएंगे, बच्चे हम अलग बल्ब में रख के पालेंगे, मतलब जैसे हमने पहले बच्चे पाले हैं इसी तरह से करना है दोबारा। सही है ना भाई बैठ गई, हाँ भाई सही है सही है, बैठे रहो शाबाश, शाम को तो नहीं करते, खाना पानी इसको हम लगा देते हैं ठीक है। चलो जी चलो जी, इसको भी हमने बंद कर दिया, बैठ गए भाई अंडों पे। हाँ ये भी खुशी मना रहा है, क्यों देखो बैठ के लो, ये क्यों खुशी मना रहा है भाई, इसको क्या हो गया आज, ये खुला हुआ है बाहर इसलिए घूम रहा है, दाल इसलिए खुश है। हाँ भाई मुन्नी बापड़ी कैसा है खाना? ओह मेरे को मारने आया है, डराने आया है, देखे उसको देख रहे हैं कैसे मेरे मुंह बना के आ रहा है मेरी तरफ, डराने आता है भाई। चलो चलो इनको बंद तो कर दो पहले, बंद करें। चलो तो भाई अभी जो है ना अपने तुर्की बट को बंद कर देते हैं, चलो चलो आ जाओ, ले आओ भाई ले आओ, लॉक खोल देते हैं, आने दो भाई, चलो 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 घर पे, चलो भाई घर पे, चलो घर पे, चलो मैंने इनका सही है, अभी देखना जाते ही खाना शुरू करते हैं, ज़्यादा पहले खाती है, ये देखो खाने शुरू मैसे, चलो खा लो, बंद कर दो जी। बाकी भाई हमारी ये चिंकी मिंकी है, इनको भी काफ़ी दिनों से हमने खोला नहीं है, इनके पर वर जो है देखो क्या है, फिर इनको खोलो ठीक है। ये जो है उड़ती है, तो इनके पर वगैरह हम सोच रहे हैं काट देते हैं, या फिर
टेप से जो नहीं लगा देते परों पे, तो वो लगा के मैं सोच रहा हूँ कि जो है फिर हम इनको खोलें बाहर, क्योंकि इनका भी बाहर बाहर निकलने का दिल करता है, तो इनको भी बाहर वगैरह निकालें क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद है घर में और ये उड़ने वाला परिंदा है, मतलब काफ़ी जैसे इसको हम खोलते हैं ना तो ये उड़ने लग जाता है भाई। याद होगा आप लोगों को पिछले कुछ टाइम पहले ही उड़ भी गई थी। खाना बड़ी मुश्किल से पकड़ के ला रहा पेड़ से। हाँ भाई खाना खा रहा, नाराज हो गई थी अब मैं तो इतना दोस्ती कर ली है। ये मुझे नर लग रहा है, मोर का बच्चा जो है ना, लग रहा है ना मोर बिल्कुल। मोर है, इसका नाम रख दो यार। नाम यार भाई व्यूअर्स बता ही नहीं रहे। इसका नाम प्यारा सा नाम रखते हैं, इसका नाम रखे भालू। नहीं नहीं भालू नहीं, सही है यार भालू। चलो भालू सही, क्यों आ रहे काले कपड़े क्यों आ रहे हैं? हमारा बच्चा है। चलो ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हमजा वो चकोर को भी बाहर निकालो यार, सही है? चलो सही, ठीक है। ये अपना शेड तो हो गया कंप्लीट, अब हमने पौधों पे काम करना है और फाउंटेन पे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज। और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट भी लाजमी कर देंगे प्यारा सा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल। तो बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी करें भाई, दोबारा दोबारा बोलना लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।